दोस्तों, आप सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी पहेली का सामना जरूर किया होगा। हमारे जीवन में अक्सर यह होता है कि हम कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं, और जब इस उलझन का समाधान खोजते हैं तो उसके लिए हमें अपने दिमाग का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब भी हम किसी पहेली का हल खोजते हैं तो हमें अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहेलियाँ किसी भी व्यक्ति की सरल या ज्ञान का परीक्षण करती हैं और साथ ही दिमाग की कसरत भी करवाती है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे पहेलियों के बारे में पूछने वाले हैं जो आपके दिमाग को हिला देंगी, और हर एक पहेली के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको उस पहेली का आंसर आता है तो दोस्तों उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहेली नंबर एक, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोने की है मगर सुनार की दुकान पे नहीं मिलती? तो दोस्तों, आपको अगर इस पहेली का आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा तकिया और चारपाई। पहेली नंबर दो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो समुद्र में पैदा होती है और आपके घर में रहती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नमक। पहेली नंबर तीन, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम निगलें तो जिंदा रह पाएं और अगर वह हमें निगले तो हम मर जाएं? तो दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पानी। पहेली नंबर चार, वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं मगर फिर भी खा लेते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा धोखा। पहेली नंबर पाँच, वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं होता? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अप्रैल फूल। पहली नंबर छः, वो क्या है जो आदमी का लंबा और औरत का गोल होता है? तो दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा माथे का तिलक। पहेली नंबर सात, ऐसी कौन सी चीज़ है इसको जितना खींचा जाता है वो उतनी ही छोटी होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सिगरेट। पहेली नंबर आठ, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा तोता। पहेली नंबर नौ, वह पंखों के बगैर उड़ता है मगर हवाई जहाज नहीं है, वह इस तरह से सैर करता है, क्या है भला, नाम बताओ। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आंख। पहली नंबर दस, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही मैं आता हूँ, काम पेन नहीं कागज नहीं हूँ, सोचो फिर क्या है मेरा नाम। तो दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा चश्मा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन दबाएं।
मल्टी टेक्नोलॉजी के साथ ठीक कर।